News 18 India। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं News 18 India। पड़ोस से आ रही है खबर, यानी पाकिस्तान से, जहां पर चुनावों में ऐसी उलटफेर हो गई है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। चुनाव के ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं कि नतीजों की वजह से पाकिस्तान में आने वाले समय में हालात बहुत ही गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो नतीजे आ रहे हैं वो सेना के मन मुताबिक नहीं है। ये बड़ी खबर सुन लीजिए। अब तक जो नतीजे आए उसमें सबसे ज्यादा उन उम्मीदवारों का बोलबाला है जो इमरान खान के समर्थन से मैदान में उतरे हुए हैं, जो इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिली तो निर्दलीय मैदान में उतर आए। और आंकड़े आपको देखने चाहिए। नवाज शरीफ की पार्टी को 50 सीटों पर जीत हासिल हुई है, बिलावल भुट्टो की पार्टी 40 पर और अन्य के खाते में 8 सीटें इस वक्त। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में 173 सीटों पर ये इस वक्त मुकाबला, 75 सीटों पर इमरान के समर्थकों ने जीत दर्ज की है। तो शरीफ की पार्टी दूसरे नंबर पर इस वक्त दिखाई दे रही है और इसीलिए हर कोई ये कह रहा है कि जो सेना चाहती थी क्या वाकई वो नहीं हुआ। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल नून ने 50 सीटें अब तक जीत ली है और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। जैसा मैंने आपको बताया, ये तीन तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने, हालांकि जो तीसरी तस्वीर है उसमें आपको तौकीर रजा नजर आ रहे हैं। वो तीन तस्वीरें, माफी चाहती हूं, दो तस्वीरें पाकिस्तान से थी और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी, चाहे वो हल्द्वानी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का एक्शन हो, तौकीर रजा बार बार ये कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तारी दूंगा। उस बड़ी खबर पर हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपके सामने जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर आ रही है वो यही है कि वहां बहुत बड़ा खेला हो गया है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जीत का परचम लहराता हुआ कोई चेहरा नजर आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो समर्थन लिए हुए हैं इमरान खान का। इमरान खान इस वक्त जेल में बंद है। नवाज शरीफ जब आए पाकिस्तान की धरती पर, जब उन्होंने कदम रखा तो जनता से ही कहा था डू यू लव मी, तो जनता की तरफ से, जानिब से जवाब आया यस वी लव यू, तो उन्होंने कहा तो आई लव यू टू। लेकिन ये आई लव यू टू इस वक्त आंकड़ों में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल आरएसएन सिंह साहब जुड़ चुके हैं और पाकिस्तान से राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमर भाई, शुरुआत आपसे कर रही हूं। सबसे पहले तो आप टैली हमें बता दीजिए, क्योंकि इमरान समर्थक 75 पर हमें दिख रहे हैं, नवाज 50 पर, बिलावल 40 पर और अन्य जो है वो 8 पर। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये बिल्कुल इसी वक्त जो आप बात कर रही हैं ठीक है, कोई 75 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 50 के से ज्यादा मुस्लिम लीग नवाज है और 40 के करीब जो है वो पीपल्स पार्टी है। तो सिचुएशन ये नजर आ रही है कि सारी सियासी जमातें कोलिशन बनाएंगी माइनस इंडिपेंडेंट्स जो कि इमरान खान के हैं, फिलहाल तो यही नजर आ रहा है। लेकिन क्या सिचुएशन बिल्ड होती है, क्या पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट्स आपस में मिल जाते हैं, क्या बनता है आगे आने वाले दिनों में, ये भी चीजें देखने की हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है अभी तक। जी ओके, आप ये कह रहे हैं कि बाकी सब एक तरफ है और इमरान खान एक तरफ नजर आ रहे हैं, है ना? लगता तो यही है, लगता तो यही है। ओके, इसका मतलब ये कि जो कहा जा रहा था कि सेना चाहती है कि नवाज शरीफ एक बार कुर्सी पर काबिज हो जाए, वो होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। नहीं, अवाम ने उनको इतने वोट ही नहीं दिए, वो सिर्फ 50 सीटें अभी तक जीत चुके हैं। गो के अभी 100 से ज्यादा हलकों के रिजल्ट आने हैं, तकरीबन 100 के करीब जो रिजल्ट हैं वो आने हैं। सो जो 100 सीटों के रिजल्ट आते हैं उस पे पीएमएलएन कितनी सीट्स ले सकती है, 20 25 30 40 कितनी लेती है, और इंडिपेंडेंट्स जो कि तहरीक इंसाफ के हैं वो कितने बनते हैं, ये जो 100 पोलिंग स्टेशन है उसका रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। अभी तो अभी रिजल्ट पूरे नहीं आए, मेरा ख्याल है अगले 2 घंटे में आ जाने चाहिए मैक्सिमम। ओके, कर्नल आरएसएन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
कर्नल सिंह, ये हुआ क्या है? मतलब तस्वीर दिख रही थी कुछ और, निकल गया कुछ और, अब आएगा आगे क्या कोई नहीं जानता है। नहीं, मैं चीमा जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, ये कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी और ये जान ले कि ये इनकी जो इलेक्शंस जो है वो, मुझे इस बात में कोई हिचक नहीं है कहने में कि वो बाहर से स्क्रिप्टेड होती है और इनका बिल्कुल साफ है कहना कि ये कोएलिशन सरकार बने, चाहे वो जरदारी की बने या नवाज शरीफ की बने, लेकिन बनेगी कोएलिशन। दूसरी बात क्या है कि ये जो इंडिपेंडेंट्स जो के रूप में जो जीते हैं पीटीआई के लोग, अब बाजार खुल जाएगी थोड़े देर के बाद रुबिया जी, और आप देखिएगा कि अब बाजार में खरीद फरोख वहां पे शुरू हो जाएगा। तीसरा चीज मैं ये भी बोल दूं कि देखिए, मैंने किताब लिखी है द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, और मुझे तमाम इलेक्शंस का स्मरण है, लेकिन चीमा साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि आज तक मैंने ऐसे इतना बड़ा वेव, जब मैं रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूं, किसी एक लीडर के फेवर में मैंने नहीं देखा है जितना अभी इमरान खान के मैंने फेवर में देखा। कर्नल सिंह, रोक रही हूं आपको, इसी मसले को आगे लेकर जा रही हूं कि किताब भी लिखी है लेकिन ऐसी वेव कमर भाई, मतलब किसी नेता के लिए पाकिस्तान में नजर नहीं आई है। इनफैक्ट कहते हैं कि अगर सेना चाल है तो पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन यहां पर मानना पड़ेगा कि इमरान ने वो सब झूठ साबित कर लिया। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान का जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, वो इंतहाई पॉपुलर है, और जैसे मैंने पहले कहा कि उनका नैरेटिव एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, एंटी यूएस है, और रिलीजियस नेशनलिज्म की वो बात करते हैं, और वो इन चीज़ों की जो बात करते हैं, लोगों ने ये चीज़ें बाय की हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक तासुर है इस हवाले से, जो मजहबी सियासी जमातें थीं उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है एंटी वेस्ट और इस तरह की चीज़ों का। सो इमरान खान ने उसको कैश किया है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी लोगों ने इमरान खान को इसलिए वोट नहीं किया कि उन्होंने बड़े डेवलपमेंट के काम किए हैं या वो बड़ा कोई हिस्टोरिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिफॉर्म कर पड़े हैं। लोग उनको वोट इसलिए दे रहे हैं सिर्फ उनकी बातों की वजह से। सो पाकिस्तान की जो आवाम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और है, और जो पाकिस्तान की जो स्टेट की नीड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो ये बिल्कुल डायकोटमी चल रही है मुल्क के अंदर कि हमने जाना किस तरफ है और हमें चाहिए क्या। सो लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये बात तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, हम तो दूर से देखने वाले लोग हैं कि डेवलपमेंट की बात कैसे करें। पहले इतना जो गड्ढा यहाँ पर खोदा गया है, पहले वो तो भर देना आदमी, उसके बाद आप पुल की बात करेंगे, ब्रिज की बात करेंगे, सड़क की बात करेंगे। अभी तो गड्ढे में है पूरी की पूरी जमहूरियत, और ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ये मानते हैं कि वहाँ हर बार जनरल इलेक्शंस रिग्ड होते हैं, हर बार वहाँ पर हालात जो ऐसे होते हैं कि आम जो आवाम है उसके साथ धोखा होता है। तो ऐसे में अगर इमरान को पसंद कर रहे हैं तो कोई भरोसा तो होगा, क्या वो भरोसा है? देखिए, बात ये नहीं है कि देखिए, हर दफा जब इमरान खान ऑपोजिशन में होते हैं तो वो कहते हैं जी दूसरों ने इलेक्शन चोरी किए, अभी जब वो ऑपोजिशन में होंगे तो वो कहेंगे दूसरों ने इलेक्शन चोरी किए। मैं इस सेंस में ये कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में इसको नहीं मानती, जो भी वो इलेक्शन हारते हैं, जीतने वाला मानता है, हारने वाला नहीं मानता, ये शुरू से रवायत रही है। लेकिन जो बात की जा रही है उनके पॉपुलर नैरेटिव की कि क्यों लोग उनको फॉलो करते हैं, मैं समझता हूं कि वो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ तीन चार चीजों पे है, जिसमें मैंने जिक्र किया है कि वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया उन्होंने लिया और वो कहते थे कि अमेरिका और फौज ने मुझे मिलकर निकाला है। ये जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसको वो प्रूव करना चाहते थे। कमर भाई, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया है, परसेप्शन क्रिएट कर लिया और पाकिस्तान की आवाम उस परसेप्शन के साथ जाती हुई दिख रही है। कर्नल सिंह, डू यू अग्री विद दिस? मतलब वो इमरान खान जो कहते हैं सेना करप्ट है,